हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जब हमारे माइंड में ये वर्ड आता है लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, तो आई एम श्योर उसी टाइम पे हमारे माइंड में एक और शब्द आता है, मनी, पैसा। हमें पता है लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट ये वो डोमेन है, ये वो लग्जरी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे एक्चुअली में इफ यू सी दीज आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग डोमेन। अब हम बात करते हैं इसमें आप करियर कैसे बना सकते हैं, व्हाट आर दोस कोर स्किल्स विच आर रियली रिक्वायर्ड टू बी यू नो बी इन टू दिस डोमेन। क्योंकि आपको भी पता है कुछ कोर स्किल्स होती है वो जरूरी होती है। जैसे एग्जाम्पल, आपको सेल्स के अंदर जाना है तो आप एक्सट्रोवर्ट ही होना पड़ेगा, इंट्रोवर्ट नहीं हो पाएंगे। अगर हम बात करते हैं फाइनेंस की, तो आपके फंडास क्लियर होने चाहिए। ऐसी हर तरह की कोर स्किल्स होती है, हर डोमेन की वो जरूरी होती है। सो वी आर गोइंग टू डिस्क अबाउट द कोर स्किल्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सैलरी रेंज विच यू कैन एक्सपेक्ट इन केस यू आर इन entry level and when you move towards the experience level. So we are going to talk about everything one by one. As always, my WhatsApp link is in the description in case aapko kuch bhi janna ho, in case you have any queries left, feel free to drop me a message out there. So aapko bhi pata hai boss, Maruti bechne mein aur Mercedes bechne mein farak to hai. Aapki skills ka bhi farak hai, ek salesman ki skills ka, aur actually ek brand communication ke perspective se bhi farak hai, as well as the revenue which is involved is also very different. Baggage bechne mein aur ek Gucci ka bag bechne mein, dono mein bhi difference hai, right? So let's talk about what exactly the industry size is. Ye current $250 billion की इंडस्ट्री है एंड इट इज वेरी सून गोइंग टू रीच टू द बार ऑफ $400 billion इंडस्ट्री इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। अब हम बात करते हैं इसमें पहले ये सोचा जाता था दैट इज ओनली मेंट फॉर इंडस्ट्रीज और आई शुड से यू नो प्लेसेस मेंट आउटसाइड आर कंट्री। इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा नहीं माना जाता था, ऐसा लगता था कि अगर इसमें करियर बनाना है तो यू हैव टू मूव अब्रॉड। बट अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पे जिस तरीके की पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, इंडियंस लग्जरी ब्रांड्स की तरफ इतना ज्यादा इंक्लिनेशन है, सो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स, अगर हम देखते हैं टेस्ला ने भी दे आर स्टार्टिंग देयर यू नो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हियर, एप्पल का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो दैट क्लियरली शोज दैट द प्रीमियम ब्रांड्स आर लुकिंग इंडिया एज अ मार्केट विच इज गोइंग टू रियली रियली ग्रो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर दोस कोर स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इन केस यू वांट टू मेक योर करियर इनटू इट। आपके अंदर क्रिएटिविटी का बहुत सीन होना चाहिए, दैट यू शुड बी अ क्रिएटिव पर्सन। इफ यू आर नॉट, यू हैव टू डेवलप दैट थिंग इन योरसेल्फ। सेकंडली, यू नो हाउ टू हैंडल अ ब्रांड कम्युनिकेशन, लाइक द कम्युनिकेशन नीड्स टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, वेरी वेरी क्रिएटिव and very very appealing. So that's the kind of things you should have in your mind. Then you should be, I should say, you should have that keeda in yourself to make the customer experience super super special. So is tarike ki kuch cheeze hain jo aapko ek as a skill dheere dheere develop karni hogi is program mein. बट अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्लेज अ सुपर इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। सो यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इन दिस पर्टिकुलर डोमेन एंड ऑब्वियसली यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन प्लीजिंग पर्सनैलिटी एज वेल। एवरीथिंग इज रियली डिपेंडेंट ऑन द पर्सनैलिटी दीज डेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विच ऑल इंडस्ट्रीज इट इज इन नाउ। पहले हम सोचते थे द ओनली इंडस्ट्री विच इज देयर इज इन फैशन मे बी, बट इट्स नॉट लिमिटेड टू फैशन। आई वॉज सरप्राइज टू सी वेयर ऑल इट हैज बीन रीच्ड। सो इफ यू टॉक अबाउट इट्स ऑब्वियसली इज इन फैशन। इफ यू सी hotel and travel has also begun with 5-star, 7-star, these are the luxury ones. Then we talk about a wine industry, automotive industry, we just spoke about the Tesla, Mercedes and all. Then jewelry and watches industry has also got a good size of a luxury segment. Then we talk about technology and health wellness. So these are the industries which are very prominent into this luxury brand management mein hiring jahan pe hoti hai. When we talk about how can you begin your career into it, so dekhi, there are two ways. One is actually doing MBA into luxury management or doing masters into luxury management. Second is if you are into, let's say if you are actually into your bachelor's now, like you are about to start your bachelor now, then try to get your bachelor degree into either business or hotel management or fashion. सो इस तरीके की आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं, फर्दर डू योर मास्टर्स इनटू लग्जरी मैनेजमेंट। बट अगर आप अभी भी श्योर नहीं है दैट इज दिस करियर फॉर मी और नॉट, आई एम गोइंग टू पुट सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन विच इज ऑलमोस्ट फ्री कोर्सेज और 400-500 रुपीज कोर्सेज विच इज गोइंग टू बी अ सेल्फ पेस्ड कोर्सेज 12-15 आवर्स का द थिंग इज देयर, आई मीन द मटीरियल इज देयर विच विल गिव यू वॉट ऑल इज अबाउट लग्जरी मैनेजमेंट, वट ऑल यू नीड टू स्टडी, हाउ टू बिगिन, वट ऑल द विच ऑल कम्युनिकेशन, वट आर द स्टेक होल्डर्स विच आर विच विल बी इन्वॉल्व इन टू दिस पर्टिकुलर career, all those things. So just attempt those courses. Also, my suggestion would be go and check out the best luxury brand managers which are available on the LinkedIn. Check out their post, what do they write, what do they write about their experience, what do they write about what they do and all that. So usme bhi aapko kafi idea lag jayega, what is the life, how is the life of luxury brand managers and how can you reach out to that particular level.
Now about the designations, if we talk about the designations, looks like brand manager, communication manager, brand strategist, brand consultant. So these are the kind of designations you can get into this particular thing. So that's it for now. You have to keep building your basic skills, which just mentioned about the communication, creativity, keen eye on the entire process and how to make the other person's experience super, super special. I hope ye aapko basic understanding diya hoga. Do check out the description link for the free courses. Thank you so much. Have a good day. Bye-bye.